हाय, मैं डॉक्टर आतिफ बनर्जी। तो आज मैं जो आपको लोगों को दिखाने वाला हूँ वो है एडवांस शोल्डर एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहले मैं जो आप लोगों को दिखाऊंगा वो है पेक्टोरिस मेजर एंड क्लैविकुलर का कैसे आपको एक्सरसाइज करना है, इनके साथ साथ जो पोस्टीरियर जो डेल्टॉइड है इसको कैसे रिलीज करना है। तो ये है आपका एडवांस लेवल का आपका वो इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज दिखाते हैं। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हम लोग दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको दिखना है जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो जैसे आपका मसल्स का स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो उसमें क्या होता है, ये 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, तो ऐसे करके हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये हम लोग सेट करेंगे। जो पहले हम लोग क्या करते हैं, एज ए क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट एंड पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट एंड कॉन्जर्वेटिव मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपका मसल्स टेस्ट करते हैं जो कौन सा मसल्स वीक है, कौन सा मसल्स हाइपर एक्टिव है, कौन सा मसल्स को कैसे काम करे। इसके साथ साथ हम लोग मायोफिशियल के ऊपर काम करें, जो मायोफिशियल चेन है, जो आपका सुपरफिशियल फ्रंट लाइन में प्रॉब्लम है, सुपरफिशियल बैक लाइन में प्रॉब्लम है, फंक्शनल लाइन में प्रॉब्लम है, या आपका लैटरल लाइन में प्रॉब्लम है, या स्पाइनल लाइन में प्रॉब्लम है। तो वो करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिसाइड करते हैं कौन सा एक्सरसाइज देना है कितना। तो अभी क्या करने जा रहे हैं, पेक्टोरिस मेजर और क्लैविकल एंड जो पोस्टीरियर डेल्टॉइड हम रिलीज करेंगे या स्ट्रेंथनिंग करेंगे, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, एडवांस आपका स्ट्रेंथनिंग आपका टूल्स है जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, अप्लायंसेस है जिसको यूज करते हैं। इसके साथ साथ आप लोग देख सकते हो मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ कितने पे देना है, तो मैं ऑलरेडी इसके साथ साथ इसको चेंज किया ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको एक के बाद एक मैं पोस्ट करूँगा। तो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा तो ये मूवमेंट नहीं करेगा, तो इसको लूज कर लें। तो ऐसे करके 2, 3, 4, 5, 6 तक आप लेके जा सकते हो अकॉर्डिंग टू आपका मसल स्ट्रेंथ। तो फिर मैं क्या किया, इसको मैं 3 में रखता हूँ। हाँ, जो यहाँ पे मसल स्ट्रेंथनिंग होगा ये करने के बाद हमको ऐसे करके पकड़ना है, ठीक है। तो ये करने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे करके लेके जा रहे हैं, ठीक है। पूरा चीज़ हम लोग लेके पुल करेंगे, तो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वेट को थोड़ा सा कम कर दिया, क्योंकि ये शोल्डर का है तो शोल्डर अकॉर्डिंग टू मसल स्ट्रेंथ हम लोग वो कर देंगे और इसका पोजिशनिंग भी प्रॉपर करेंगे, ठीक है। तो ये करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको लेके जा रहे हैं धीरे धीरे, जस्ट वन। आप देख रहे हैं हैंड का पोजिशन एंड ग्रिपिंग, ठीक है। ये पेक्टोरिस मेजर आपका क्लैविकुलर एंड आपका पोस्टीरियर डेल्टॉइड का रिलीज है, ठीक है। 2 स्लोली हम लोग मूवमेंट करें। 3 पोस्चर ऑब्वियसली स्ट्रेट एंड इरेक्ट होगा। 4 गुड, स्लाइटली ये बेंड होगा। 5 तो ये ऑलरेडी पोस्टीरियर डेल्टॉइड में आपका पेक्टोरिस मेजर एंड क्लैविकल में गया, ये हम लोग रिलीज कर लिए। ये करने के बाद हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे, फिर डेल्टॉइड जो मसल्स है डेल्टॉइड का हम लोग स्ट्रेंथनिंग करेंगे। तो हम लोग नीचे से भी कर सकते हैं, ऊपर से भी कर सकते हैं, ओके। तो पहले हम लोग साइड से ऐसे पुल करेंगे, अब थोड़ा सा सीधा सीधा ऐसे साइड से दिखाओ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नीचे से हम लोग करेंगे, जस्ट 1 ऑलरेडी दिख रहे हैं, रिलीज। 2 रिलीज। 3 रिलीज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका सुप्रास्पाइनेटस एंड डेल्टॉइड का पूरा मसल्स पावर बढ़ेगा। इसके साथ साथ हम लोग करेंगे नेक्स्ट टाइम जो हम लोग करेंगे फॉरवर्ड भी स्ट्रेंथनिंग, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देंगे, ये हम लोग नीचे करके। नीचे करने के बाद हम लोग फिर क्या करना है, साइड से हम लोग इसको लिफ्टिंग करेंगे जहाँ पे और भी आपका स्ट्रेंथनिंग हो जाए। जब आप नॉर्मली हम लोग पैसिव टेस्टिंग करते हैं वो नॉर्मल आ जाए, एक्टिव भी आपका नॉर्मल आ जाए, तो फिर हम लोग क्या सकते हैं, 500 वेट जो है 500 वेट देके हम लोग ग्राम वेट देख भी चेक कर सकते हैं, उसके बाद अभी उसके यूज़ कर सकते हैं। तो हमने मैं क्या किया, ये साइड बेस गया और इसको मैं पहले क्या करूँगा, इससे इसके साथ साथ मैं फ्लेक्शन करूँगा, ठीक है। तो फ्लेक्शन लेंथ हमको बढ़ाना है, तो मैं पहले घूम जाऊँगा, हाथ का पोजिशन ऐसे रहेगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सामने से हम लोग फ्लेक्शन करेंगे, ठीक है। शोल्डर फ्लेक्शन करेंगे पूरा, देन डाउन स्लोली, लाइट वेट से आप स्टार्ट करना, धीरे धीरे वेट बढ़ाना। 2 डाउन, 3 पूरा 180 डिग्री तक आपको लेके जाना है, देन डाउन, ठीक है। ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, शोल्डर फ्लेक्शन कर सकते हैं विद रेजिस्टेंस, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ साथ एब्डक्शन करेंगे, एंड एब्डक्शन और
अबडक्शन दोनों एक साथ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करें, पूरा का पूरा अबडक्शन कर सकते हैं सीधा देन डाउन, ठीक है। यहाँ से आप जैसे अबडक्शन किए फिर एडक्शन भी कर सकते हैं, रिलीज अगेन टू, रिलीज अगेन थ्री, रिलीज अबडक्शन एडक्शन एक साथ कर सकते हैं। अबडक्शन किया पूरा अगेन बन डाउन स्लोली डाउन अगेन एडक्शन देन रिलीज, ठीक है। तो अबडक्शन और एडक्शन मैं कर लिया, फिर हमको क्या करना है, इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, इंटरनल रोटेशन करेंगे। जब वो बहुत किसी का हाथ पीछे नहीं जाता है तो पोजिशन ऐसे हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। ये पोजिशन पीछे का, तो ये पोजिशन में हम लोग क्या सकते हैं, वन रिलीज, आप साइड से दिखा सकते हो, हाँ ये पोजिशन में ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से जस्ट वन रिलीज, टू रिलीज, थ्री रिलीज, फोर रिलीज, फाइव रिलीज, ये कर लिया। कि साइटस एंटीरियर जो है, साइटस एंटीरियर मसल्स को हम लोग एक साथ वो करेंगे, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो साइटस एंटीरियर जो है मैं ये पोजीशन में लेके आया, थोड़ा सा मैं बढ़ा सकता हूँ अगर वैसा लगा तो, थोड़ा सा मैं यहाँ से इसको दो कर सकता हूँ, तो दो पावर में दिया। देने के बाद फिर क्या करना है, ये पोजीशन में लिया, ये पोजीशन से सामने की तरफ कर सकते हैं, स्ट्रेट एंड लेफ्ट योर स्पाइनल कॉर्ड एंड शोल्डर, फिर ऐसे रखें हाथ को, ऐसे ये पोजीशन में रखो, जस्ट वन रिलीज, टू रिलीज, थ्री रिलीज, फोर रिलीज, फाइव, ऐसा करके सात बार आपको करना है। ये जब कंप्लीट हो गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फॉर पेक्टोरल मसल्स को हम लोग एक्टिवेट कर सकते हैं, और ऐसे भी आप कर सकते हैं, जो दोनों साइटस एंटीरियर को भी आप पुश कर सकते हैं, एक शत को आप पुल कर सकते हैं। थोड़ा सा ये पोजीशन में आएंगे, थोड़ा सा बॉडी पीछे की तरफ आएगा, इसमें पावर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, मैं सिक्स कर दिया, तो ये पोजीशन में थोड़ा सा बॉडी सामने की तरफ जाएगा, एक साथ पुल कर सकते हैं, वन रिलीज, टू रिलीज, थ्री रिलीज, फोर रिलीज, फाइव रिलीज, ऐसा करके हम लोग करेंगे। फिर पेक्टोरिस मेजर का हम लोग करेंगे, पेक्टोरिस मसल्स का हम लोग एक्सरसाइज दिखाएंगे, ठीक है। ये पोजीशन में रहा, हम लोग क्या करेंगे, सामने से पेक्टोरिस मेजर का हम लोग करेंगे, वन रिलीज, टू रिलीज, जब पुल करने सांस सुनना है, थ्री रिलीज, फोर रिलीज, ऐसे करके सिक्स टू सेवन टाइम्स करना है। तो ऐसे आप अगर शोल्डर एक्सरसाइज करेंगे, ये एडवांस आपका मशीनरीज है जहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ये बहुत ही इफेक्टिव है। तो आई थिंक एक नॉर्मल आइडिया दिया, क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज़ करो तो वो अपने हिसाब से मत करो, या यूट्यूब देख के मत करो, वो एज ए क्वालिफाइड जो प्रोफेशनल्स हैं, फिजियोथेरापिस्ट है, क्रैप्टर है, एंड जो मेडिकल प्रोफेशनल है, वो हम लोग असेसमेंट करते हैं जो आपको कौन सा एक्सरसाइज आपके लिए सूटेबल होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है शोल्डर एक्सरसाइज आप हजारों देख सकते हैं यूट्यूब में, बट आपके लिए कौन सा सूटेबल है उसके लिए ऑब्वियसली आप विजिट करो जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल। और अगर कोई भी आपका सर्जरी से आप लोग बचना चाहते हो, कोई भी स्पाइन सर्जरी, शोल्डर सर्जरी, एनी सर्जरी, तो मैं ऑलरेडी सेकेंड ओपिनियन देती हूँ ऑल ओवर इंडिया में, जहाँ पे आप लोग सर्जरी से बच सकते हो। तो ऑब्वियसली अगर सेकेंड ओपिनियन चाहिए तो ऑब्वियसली कॉन्टेक्ट टू डॉक्टर आतिन मैनी जी, मेरा डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर है 7980551069, इसमें आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ऑब्वियसली लाइक करना और शेयर करना ना भूले, फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। थैंक यू टू सीइंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।